देखो, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो हमेशा दो ऐसे चीजों में कंपेयर करते हैं ना जो इक्वालिटी की बात होती है ना। जैसे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हमें उम्मीद है कि विराट कोहली सचिन का स्कोर लेवल कर देगा, है कि नहीं, यहां तक कि 100 में भी बराबरी कर देगा। रोनाल्डो मेसी का करते हैं, नेक टू नेक प्लेयर है ना। पर हमेशा लड़कों के लड़कियों से क्यों कंपैरिजन कर देते हैं, यहां नेक टू नेक है ही नहीं। यहां सच बता रहा हूं, अगर दिमाग में कंपैरिजन करो तो लौंडे बहनचो बहुत आगे हैं। उनको ट्रेन में अगर छोड़ा जाए ना दिमाग तक पहुंचने के लिए, तब भी वो लेट हो जाएंगे। लौंडे पैदल भी निकल जाएंगे, इतने आगे हैं लौंडे। सच बता रहा हूं, लौंडे बहुत आगे। और मुझे लगता है इस चक्कर में काफी पार्शियलिटी हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है लेडीज को, देखा आपने, देखा होगा, क्योंकि हमेशा देखा कई कई स्कीम बना देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लौंडे मराओ। हाँ, रील भी वायरल हुई थी मुझे पता है इस पे। लेकिन वो है तो एक्चुअली फैक्ट बोला है ना उसने, भाई दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, बस फ्री है लड़कियों के लिए, जाओ आराम से एंजॉय करो। मैं कह रहा हूँ लड़कियों के लिए क्यों करा है भाई, लड़कियां तो ऐसे भी दिल्ली की फ्री घूम रही है, बिल तो सारे लौंडे पे कर रहे हैं, वो जा कहाँ रही है बस में। बल्कि इतने खर्चे करवा दे रहे हैं कि ये लौंडे बहन जो चुन्नी ओढ़ के घुस रहे हैं, कह रहे बस का फायदा मैं उठाऊंगा, संतरे लगा के घुस जा रहे हैं, कह रहे स्कीम तो लेना पड़ेगा भाई, मेरी बंदी नहीं जाती क्योंकि हमने उसको सुविधा दी है, मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाया हमने, तो उसके बदले हम बस में नहीं घूम सकते। बहुत बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है। सच बताऊं, अगर लड़के और लड़की की बात करें ना, तो लड़कों को उतना फायदा नहीं मिल पाता। इतनी पार्शियलिटी तो भाई संजू सैमसंग के साथ नहीं होता भाई, बीसीसीआई कम से कम उसको नाम देके विदेश तो घुमा दे रही है, मैच नहीं खिला रही लेकिन घूम के तो आ रहा है, लंदन घूम रहा है, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। हाँ, बस वह है कि खेल नहीं पा रहा, लेकिन इतना तो भाई लौंडों के साथ भी नहीं हो रहा ना। हमारा कहाँ कौन सा स्कीम है, कहाँ पे लिखा है बेटे 12वीं पास करेंगे तो 1,00,000 रुपए, नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। और लौंडे दहेज मांगते हैं, मैं कह रहा हूं मांगते हैं, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन लड़कियों का खर्चा तो देखो, सच बता रहा हूं साला, एक क्रीम में जिंदगी बिता देता है लौंडा। लौंडा शादी ब्याह डेट पे ही लगाता है, वरना सरसों तेल से काम चला रहा है, खुद को लपेट के धूप में सुखा दे रहा है। लौंडे नहीं डरते हैं अपनी स्मार्टनेस से। और सोचो उसके बाद भी लौंडे फिर भी ऐसे तो दिखते हैं कि देखने लायक है। ये लड़कियां मेकअप इतनी पोतती हैं, इनके एक एक मेकअप में साला इंसान बिक जाए, सच बता रहा हूं। और ये एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैंने रिलेशनशिप में आया, उसमें छोटे छोटे से भाई मेकअप के सामान थे, मेरी गांड फट गई, पूरा बजट हिल गया। मैं बाइक घर पे लगा के तेल बचा रहा हूँ, मैं बस के पीछे लटक जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें चुन्नी ओढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लटक के काम चला लेंगे। भाई लौंडों के साथ होता है पार्शियलिटी, बहुत होता है, मैं मानता हूँ। इवन भाई लौंडे लौंडे का दर्द नहीं समझ पा रहा, और जो लौंडे लौंडे का दर्द समझ रहे हैं उससे दिक्कत बहुत है भाई, उनसे दूर ही रहो, वो कुछ अलग ही दर्द समझ जा रहे हैं। तो यहाँ बेचारा एक कंप्लीट मर्द चाहे कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हो, हम फिल्टर यूज कर लेते हैं, बुरा नहीं मान, फिल्टर यूज कर लेते हैं क्योंकि मेकअप यूज नहीं करते। लड़कियों को देखो भाई, मेकअप उसके बाद फिल्टर, दो दो फिल्टर लगा देते हैं, स्नैपचैट फेसबुक इंस्टा सबके फिल्टर लगा के फोटो बना के रख रही होती है। आप कभी डेट पे रैंडम लड़की के साथ चले जाओ जिसको नहीं जानते, आप डेट पे जाओ मेकअप की दुकान लेके आ जाएगी, प्यार हो जाएगा, फिर एक दिन बारिश होगी, असलियत पता लगेगा, गांड फट जाएगा, इससे मोहब्बत थी, इसके होठ मुझसे भी काले, मैं तो बहन जो गांजा पीता था, तू क्या पी रही है जो इतने काले हैं। और भाई उसके बाद वो अपने आप को बताएगी, प्यार मैं तो आपको फिर भी अपना ही, और बहन जो इतनी मेहनत करवा लेती है, गांड गुलामी कर लिया हमने उसके मेकअप के ऊपर। भाई ये धंधा चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर जितने वाले हैं ना सबको गोली मार दो, ये मेकअप जिसने बनाया उनको गोली मार दो, लौंडों के साथ खेल रहे हैं भाई, इज्जत नहीं मिल रही ना। मैं कह रहा हूँ प्यार की कोई बात नहीं, लेकिन यार तुम मेकअप के बहाने जो लौंडो को आगे पीछे घुमा रहे हो, हमें प्रेशर में डाल रहे हो, हम दिन रात इसी उम्मीद में रहते हैं इतनी सुंदर लड़की पट गई बहन, कोई पटा ना ले, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, दिन रात वहां उसको पानी की चाहत पड़ी हुई है, असलियत आती है तब गांड फट जाती है, करियर भी गया बहन जो लौंडिया, ये इसके लिए बावले थे है क्या इसमें। कुछ लौंडे ऐसे देखे, मेरा दोस्त है, कह रहा मुझे उससे प्यार नहीं है, तो फिर क्यों रह रहा है उसके साथ, कह रहा उसके प्यार से मुझे प्यार है। कहां मिलती है ऐसी लड़कियां जो इतना प्यार दिखा दे। मैंने कहा यही तो है लौंडे, दिल के मासूम ऊपर से स्ट्रांग, दिमाग से चूतिया हो जाते हैं लौंडिया के आगे, उसके आगे चूतिया बन रहे जिसपे नहीं है, हम बन जा रहे हैं। तो सोचो लौंडा कितना गिर जाता है प्यार में, और ये है टू बी फ्रेंक, ये है। इवन आप देख लो ना सोशल मीडिया पे, देख लो सोशल मीडिया पे
एक लड़की के फोटो आ जाए लोंडो को लाइन ऐसे लगती है, और लड़की में दिमाग नहीं है, सबको थैंक यू बोल रही होती है, और रेड हार्ट कि थैंक यू सो मच, उसका घमंड आ जाता भाई। आप सोचो जिसके दाग जैसा चेहरा लेके बैठी हुई है उसको कह रहे चांद, नूर झलक रहा है, साफ देखा मैंने, तीन बार देखा भाई, मैंने कहा आई टेस्ट करवा के आता हूं फिर देखता हूं, दोबारा देखा बहन जो सही में दाग ही थी वो, उसको कह रहे नूर चांद, हम बहन जो फोटो डाल दे का और कहां दे रहा है, बहन जो वहां पता पूछ रहे होते हैं के क्या देखा दिया सुबह सुबह, जिंदगी नरक कर दी तूने, अपने बेस्ट फ्रेंड बोल रहे जिनसे उम्मीद करते हो कि वो तारीफ में लिखेंगे, ये लिख रहे हैं बहनचो, और जो थोड़े दूर के दोस्त हैं वो आपसे बहनचो गाल मांग लेंगे, कह रहा बहन का मूड बना दिया तूने, दे रहा है क्या, लोंडो की जिंदगी खराब हो गई है। इसलिए तो देख लो यार, नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे फोटो ही अपलोड नहीं कर रहे, कर हम क्या करने बहनचो अपनी बेइज्जती करवाएं, लड़कियां फुल देखोगे ना आप दिन रात, एक लड़की को फॉलो कर लो एक लड़के को फॉलो कर लो, लड़का स्मार्ट होगा लड़की कैसी भी होगी उसके 10 फोटोज आ जाएंगे। एक तो स्नैपचैट ने अलग ही तमाशा बना रखा है, सो क्यूट के स्नैपचैट पे आ जाती है, लौंडे नहीं डाल रहे भाई फोटो, लौंडे डरे हुए हैं क्योंकि अपना ही दोस्त बहनचो ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, फ्यूचर में बहनचो बीबी आके पढ़ रही है ये क्या धंधा करते क्या तुम, ये धंधे वाले से शादी करवा दी मेरे बाप ने, और लौंडे भूल जाते भाई, हम फोटो भी डिलीट नहीं करते, हम प्राउडली छोड़ दिए, हमें फर्क ही क्या पड़ता है, ये लड़कियां देखोगे ना पूरा पास्ट मिटा के आती है, आप ही हो जो हो, यू आर माई फर्स्ट लव, मेरी वर्जिनिटी तोड़ी आपने, चाहे वो बहन चो कितने भी बॉयफ्रेंड रहे हो पास्ट मिटा के आती है, और लौंडे साले इतने गवार हैं वो तो पूरा पास्ट दिखा देते हैं, देख मेरे से पट गई थी माँ का सम, इसी में साले जिंदगी भर गुलामी करते हैं बीबी की, क्योंकि बीबी हर बात पे ही ताना देती है कैरेक्टर लेस।